तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप MIUI 11 में Xiaomi के किसी भी डिवाइस में फुल स्क्रीन जेस्चर है जो कैसे अनेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। मेरा डिवाइस है जो Redmi 4 है और इसमें मैंने MIUI 11 का स्टेबल अपडेट है जो इंस्टॉल कर रखा है। तो गाइज, इसमें मैंने इसको अनेबल कर रखा है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर स्पेशल फीचर्स में जाइएगा तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले का आपको इसमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यह बिल्कुल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, स्वाइप अप एंड होल्ड करने पर आप किचन में चले जाइएगा दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप पे। और यहाँ से आप स्लाइड करिएगा तो ऐप है जो स्विच हो जाएगा और बैक भी यहीं से होता है। इसमें एक प्रॉब्लम है दोस्तों, आप कोई ऐप में रहेंगे तो स्वाइप अप वाला गेस्चर है जो काम नहीं करेगा, बट आप होम स्क्रीन में इसको यूज़ कर पाएंगे। बट अगर कोई ऐप में आप रहेंगे तो यह काम है जो नहीं करेगा, यह आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा इसको अनेबल करने के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे अनेबल करना है और इस वीडियो में सारा कुछ आपको डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या बग है इसमें। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा गाइस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो मैं अपने डिवाइस को पहले जैसा कर देता हूँ। जब यहाँ पर मैं देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने अपने डिवाइस को जो पहले जैसा कर दिया है। इसमें आप सेटिंग में जाइएगा तो फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा होगा दोस्तों। और मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा डिवाइस है जो वही सेम डिवाइस है, Redmi 4 ही है दोस्तों। तो मैं इसमें आपको अनेबल करके दिखाऊंगा कैसे आपको इसको अनेबल करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले है जो अपने फ़ोन को रूट करना होगा। मैंने इसको मैजिक से अपने फ़ोन को रूट कर रखा है और उसके बाद एक फाइल एक्सप्लोरर चाहिए दोस्तों जो कि रूट एक्सेस हो। तो मैं यहाँ पर मिक्स फाइल यूज़ कर रहा हूँ, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद यहाँ से स्लाइड करना है और यहाँ से रूट में चले जाना है। यहाँ से आप रूट में जाइएगा तो आपको यहाँ पर नीचे स्लाइड करना होगा थोड़ा सा, तो आपको सिस्टम नज़र आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सिस्टम में चले जाना है और सिस्टम में जाने के बाद नीचे आना है और बिल्ड डॉट प्रोप है, यहाँ पर बिल्ड डॉट प्रोप आपको नज़र आएगा। इस पर टैप करना है, फिर टेक्स्ट एडिटर में चले जाना है दोस्तों। फिर उसके बाद आपको लास्ट में चले जाना है, एकदम लास्ट में जाना है और यहाँ पर एक आपको टेक्स्ट ऐड करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक टेक्स्ट ऐड करना है, इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि कौन सा टेक्स्ट है दोस्तों। और यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको शो हो जाएगा कि कौन सा टेक्स्ट ऐड करना है। सेम इसी तरह बिल्कुल जैसा मैंने इसमें ऐड किया, सेम इसी तरह आपको ऐड करना है, नहीं तो आपका एनेबल नहीं होगा फुल स्क्रीन डिस्प्ले। तो ऐड कर लेते हैं दोस्तों हम इस टेक्स्ट को। तो देख सकते हैं गाइज कि टेक्स्ट है जो ऐड हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह को आपको भी अपने फ़ोन में ऐड करना है। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो फुल स्क्रीन जेस्चर है जो काम नहीं करेगा। उसके बाद आपको इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद अपने फ़ोन को सिंपली रिबूट कर लेना है। तो हम अपने फ़ोन को रिबूट कर लेते हैं दोस्तों। तो जैसे ही आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा तो आपके फ़ोन में है जो फुल स्क्रीन डिस्प्ले अनेबल हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा फ़ोन रिबूट हो चुका है और मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इसमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले है जो अनेबल हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फुल स्क्रीन डिस्प्ले आ चुका है। पहले आप में बटन सेलेक्टेड होगा तो इसको आपको फुल स्क्रीन जेस्चर पर कर देना है। उसके बाद आप अपने फ़ोन में फुल स्क्रीन जेस्चर है जो इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ अगले वीडियो में।